नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों प्रदोष व्रत, जी हां, हर महीने में आने वाला प्रदोष व्रत जो कि महीने में दो बार आता है, एक आता है शुक्ल पक्ष में, एक आता है कृष्ण पक्ष में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माघ महीने में, जी हां, फरवरी महीने में पहला प्रदोष व्रत कौन सा होगा जो कि माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत होगा। तो आज के इस वीडियो में फरवरी महीने में प्रदोष व्रत कब है, उसकी सही दिनांक क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और साथ ही दोस्तों कौन से कार्य है जिससे कि आपको प्रदोष व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, सारी विधि सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों इस बार का जो प्रदोष व्रत है फरवरी महीने का, वह आ रहा है 14 फरवरी को। जी हाँ, 14 फरवरी को आने वाला है सोम प्रदोष व्रत। अब बात कर लेते हैं कि तिथि का समय क्या रहने वाला है। तो दोस्तों 14 फरवरी का जो प्रदोष व्रत है इसकी तिथि जो है तेरस तिथि, यह प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों 13 फरवरी को ही शाम को 6:42 में तेरस तिथि प्रारंभ होने वाली है। और समाप्त कब होगी, तो 14 फरवरी को रात को 8:28 में यह तेरस तिथि समाप्त होने वाली है। तो प्रदोष व्रत कब करना है हमें, 14 फरवरी को सोमवार को। सोमवार है मतलब सोम प्रदोष व्रत है। आपको शाम के समय, संध्या काल के समय भगवान शिव जी की एक चौकी पे रख करके शिवलिंग में या फिर शिव जी की फोटो में आपको गंगा जल, कच्चा दूध, बिल्व पत्र, चंदन, रोली, अक्षत, फूल चढ़ा करके पूजा करनी है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव जी की आरती करना है और साथ ही भगवान ओम नमः शिवाय के मंत्र का मन ही मन दिन भर उच्चारण करते ही रहना है प्रदोष व्रत की पूजा में। और प्रदोष व्रत में कहते हैं कि बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और साथ ही आपको इस दिन लौकी का भोजन भी नहीं करना है। जी हाँ, लौकी नहीं खाना है आपको, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है और उपवास करना है। भगवान शिव जी की विशेष आरती आपको इस दिन करना चाहिए। शिव महिमन स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं और साथ ही शिव जी के मंत्र पंचाक्षर स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं। तो पूजा का मुहूर्त क्या है, 14 फरवरी को शाम को आपको प्रदोष काल के समय यानी कि 5:30 से 7:30 के बीच में आपको पूजा करना है। बढ़िया मुहूर्त रहे, प्रदोष काल का मुहूर्त है और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी लिख देना है। 14 फरवरी दिनांक को ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।